नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। संत कबीर नगर में HDFC बैंक के मुख्य शाखा के दीपावली त्योहार को देखते हुए ग्राहकों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए जीरो ब्याज पर तीन दिवसीय महालोन मेले का आयोजन किया गया। HDFC बैंक के इस महालोन मेले का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि ADM संत कबीर मनोज कुमार सिंह और इसके साथ ही डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलित करने के बाद ही किया है। और इस अवसर पर HDFC के बैंक के ही मुख्य शाखा के प्रबंधक मोहम्मद खालिब और इसके साथ ही HDFC बैंक परिवार मौजूद रहा है। मुख्य अतिथि ADM संत कबीर नगर के साथ ही मनोज कुमार सिंह, डॉक्टर चित्रसेन श्रीवास्तव और शाखा प्रबंधक मोहम्मद खालिद की बातों पर गौर करें तो HDFC बैंक का ये महालोन मेला इस दीपावली त्योहार में ग्राहकों के लिए चार चांद लगा देगा। ये तीन दिवसीय जो है लोन मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जो भी ग्राहक हैं उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, जैसे 10,000 से लेके 3 लाख तक का जो है, 1 साल के EMI देंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देना उनको, फिर आप HDFC बैंक दिवाली के शुभ अवसर पर इन्होंने लोन मेला आयोजित किया है, जिसमें इनके द्वारा बताया भी गया है कि 1 वर्ष तक के लिए जो EMI होगी उस पर ब्याज नहीं है। यहाँ पे 1 ईयर के 0% लोन पे व्हीकल्स को दिया जा रहा है लोगों के उसमें, तो इसी कार्यक्रम में जो है दीप प्रज्वलित करके एक अच्छी पहल की गई है HDFC बैंक के द्वारा, और हम इसके लिए इनको बहुत शुभकामना देना चाहेंगे और जितने भी लोग इससे लाभान्वित हों मैक्सिमम लोग इस लाभ का बेनिफिट उठाएं। उपभोक्ताओं को कैसा लाभ मिलेगा? अब इसमें 1 ईयर तक 0% EMI की स्कीम है, अगर वो उसमें अगर अपने पेमेंट को, या फिर ये आपको बैंक के तरफ से ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज सिफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके परिवार के साथ संवेदना भी व्यक्त की है। और इस दौरान उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव नाम के मुलायम, काम के कठोर, अच्छे नेता थे। उनके जाने से समाजवादी पार्टी के लिए शून्यता हुई है। आज मैं यहाँ सिफई में श्री अखिलेश यादव जी से मिलकर के श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे बीच में नहीं है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और अखिलेश जी को सांत्वना देने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। निश्चित रूप से श्री मुलायम सिंह यादव जी एक राजनीति के स्तंभ थे। पूरा जीवन जिस प्रकार से उन्होंने समाजवादी पार्टी को और अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन के साथ अपने जीवन को जिया और जिस प्रकार से राजनीति के मूल्यों को निर्धारण करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया और कई बार बहुत अड़िग होकर के, यानी नाम के मुलायम भी थे और काम के कठोर भी थे, ऐसा हमको लगता है एक अच्छा अनुभव हमारा उनके साथ रहा है। और बढ़िया राजनीतिक पारी उन्होंने अपने जीवन में खेली है और कभी सिद्धांतों समझौता भी नहीं किया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर है। हर कोई उनके अंतिम दर्शन करने के लिए बेताब था और उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता था, पर अधिकतर लोग सिफई नहीं पहुंच पाए। नेताजी के निधन से उनके लाखों समर्थकों के साथ 10 साल का एक छोटा समर्थक भी बेहद उदास हुआ और वो अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए घर से निकल पड़ा था, लेकिन ट्रेन से भटक कर वो सिफई जाने की बजाय कानपुर जा पहुंचा। महाराजगंज जिले के नौतनवा क्षेत्र के एक गांव मलहनी फुलबरिया में ही रहने वाला ये नन्हा समर्थक खुद को मुलायम सिंह यादव का बड़ा समर्थक मानता है और वहीं इस बच्चे को सपा के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलवाने जा रहे कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह का कहना है कि उनके पास उनके नेता अखिलेश यादव का फोन आया था। वो इस बच्चे के दर्द को लेकर काफी प्रभावित थे। उनके इसी आदेश पर वो इस नन्हे समर्थक को लेकर सिफई जा रहे हैं। लड़का नेताजी का जब स्वर्गवास हुआ तो सुना अपने गांव से इंटरसिटी से निकला गोरखपुर, गोरखपुर से चला गया इटावा, इटावा में इसको किसी ने गलत रास्ता बता दिया, फिर कानपुर में आया और GRP के कस्टडी में था। वहाँ से इसका वीडियो वायरल हुआ, हमारे इलाके के लोगों ने बताया। अब ये हमसे बताया नहीं कि हम भी चलेंगे, हम भी गए थे, हम इसको गाड़ी में डाल लिए होते, किसी घर वालों को तक नहीं बताया, ये सही सलामत घर आ गया। हमारा घर है मन्नी फुलवलिया, हमारा नाम है नरसन लाल यादव। कहाँ जा रहे थे तुम? जा रहे थे सिफई। किससे मिलने? मुलायम सिंह तो देखने जा रहे थे। अच्छा, तो क्या हुआ, देख पाए?
अब यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, जब वहाँ पे दूरापुल हम पहुँचे, वहाँ से जा रहे थे इटमा हम पहुँचे, तो हमको तो गला रास्ता बता दिया, हम चले आए चांदपुर। हाँ तो अब कहाँ जा रहे हो? अब जा रहे हैं छह जा रहे हैं, अखिलेश यादव ने बुलाए हैं, मुलायम सिंह उनको लिया जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 24,80,000 रुपए कीमत की 124 ग्राम चरस के साथ मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक एसानंद के निर्देश अनुसार जनपद में ही मादक पदार्थों की रोकथाम और मादक पदार्थों तस्करों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन और अमित चौरसिया क्षेत्र अधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में ही थाना सहरा मऊ दक्षिणी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सहरा मऊ दक्षिणी पुलिस को 13/10/2022 को कैब सफलता प्राप्त हुई है। मुखबिर सूचना पर एक अभियुक्त शिव सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी रामचंद्र मिशन को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 124 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 24,80,000 रुपये है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब खबर हरदोई से है। हरदोई की कासिमपुर में विरोधियों को फंसाने की साजिश का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने अपहरण कर हत्या का झूठा षड्यंत्र रचने वाले मां और उसके बेटे को कासिमपुर पुलिस ने ही गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अपने विरोधियों को फंसाने के लिए अपहरण का झूठा मुकदमा लिखवाया था और एक अज्ञात शव का अंतिम संस्कार तक किया था। कथित अपहरण होने वाला युवक राजस्थान में एक प्राइवेट कंपनी में ही नाम बदल कर नौकरी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अमेठी पूर्व राज्य मंत्री और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में ही विधायक सुरेश पासी जामो ब्लॉक के ही घाटमपुर गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां दुर्गा मंदिर परिसर में लगी हाई मास्क लाइट का उद्घाटन किया। वहीं पूरे विधानसभा क्षेत्र में आज विधायक सुरेश पासी द्वारा ही कुल 5 हाई मास्क लाइटों का भी फीता काटकर उद्घाटन किया गया है। विधायक द्वारा हाई मास्क लाइटों का उद्घाटन कर जनता को सौंपा गया। कई जगह मंदिर हैं, चौराहे हैं, जहाँ पर सार्वजनिक स्थान है, वहीं पर लाइटों का स्थापना की गई है कि वहाँ पर रात में उजाला रहे, मार्केट थोड़ा देर तक खुले, और इससे जो घटनाएं रात में हो जाती हैं उससे भी रात लोगों को मिलती है। तो आज 5 जगह हम लोगों ने लाइट को उद्घाटन किया। वहीं बिजनौर के बेराज रोड पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को गोली लगी है। गोली लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। इस गोली कांड को लेकर पुलिस कई पहलुओं में जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। आज शाम 5 बजे कोतवाली शहर के बैराज रोड स्थित साकुम्बरी ऑटोमोबाइल के सामने एक युवक के घुटने में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर स्थानीय कोतवाली नगर पुलिस में प्रभारी निरीक्षक वहां पहुंचे, घायल को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। घटना की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित हो रहा है कि इसके द्वारा स्वयं मोटरसाइकिल पर बैठ के तमंचा लिया गया था, जिससे फायर हो गया और उससे इसको चोट लग गई। फॉरेंसिक की टीम भी हमारी लगी हुई है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। फरुखाबाद में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने जिला अस्पताल लोहिया का औचक निरीक्षण किया है और डिप्टी सीएम ने ही औचक निरीक्षण से जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल डिप्टी सीएम ने मरीजों से हाल चाल जाना है। डिप्टी सीएम अस्पताल में गंदगी और दिवाली पर पानी रिश्ता देख नाराजगी भी जता चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगमन से महज एक दिन पहले अलीगढ़ में 100 जर्जर बिल्डिंग में हादसे हो गए हैं, जहां शुक्रवार की सुबह इगलास क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई, तो वहीं रात को ही ऊपरकोट कोतवाली इलाके की शीशे वाली मस्जिद के पास जर्जर हालत की 3 मंजिला ताले के कारखाने की बिल्डिंग जमीजोद हो गई है और 3 मंजिला इस बिल्डिंग में कारखाना स्वामी शाकिर समेत कई लोग मलबे में दब गए हैं।
स्थानीय लोगों की माने तो 5 लोगों को घायल अवस्था में ही मलबे से बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि बिल्डिंग में ही स्वामी शाकिर समेत अन्य लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। ये हुआ क्या था कि हमारे पास मेरे घर से फोन आया मेरी बहन का, कह रहे थे शाकिर भाई की बिल्डिंग गिर गई। मैं जब यहाँ भागता आया तो पूरी बिल्डिंग गिरी पड़ गई थी। तो एक एजेंट थे चाचा, उनकी टांग फंसी हुई थी, जिनकी टांग काट कर निकाल लिया गया। ये अलीगढ़ में ऊपर कोट इलाके में एक पुरानी मंदिर थी और पुराना बिल्डिंग थी कोतवाली क्षेत्र में। यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर गोदाम था और गोदाम की बिल्डिंग कमज़ोर थी, वैसे उसमें कोई परिवार नहीं रहता था। अभी तक की जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 3 लोग उसमें कुछ सामान वामान निकालने के लिए गए थे। बिल्डिंग कमज़ोर होने के कारण अचानक उसकी छत गिर गई, जिसमें से 2 घायल जिला अस्पताल में हैं जिनका हालत सामान्य है। एक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, उसकी भी जीवन को कोई खतरा नहीं है, बात हो गई है। पैर में चोट है तो उसकी सर्जरी की जा रही है और बाकी अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मलबा हटाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही कि इसके अंदर कोई है अथवा नहीं है। ये सुनर चौक कहलाता है, यहाँ पर एक तालिब की दुकान थी शाकिर साहब की, वो अभी 3-4-5 साल पहले बनी है, नई बनी है। लेकिन आज किस कारण से रही है कि ये जो है ये जाँच का विषय है, लेकिन हादसा बड़ा है। 3 लोगों को मेडिकल पहुँचा दिया गया है और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 2-3 लोग और हैं। मेडिकल कितने लोगों ने दिया गया? 3। बाराबंकी के रामनगर के बुड़वल रेलवे स्टेशन का पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम निरीक्षण करेंगे। बताते चलें कि पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम के निरीक्षण का कार्यक्रम शनिवार को बुड़वल रेलवे स्टेशन के लिए तय किया जाता है और इसके साथ ही जिसको लेकर स्टेशन पर साफ सफाई से लेकर रंग रोगन की भी मरम्मत का कार्य चरम पर है, जिससे जीएम को स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खामियां ना नजर आ पाए और इसके साथ ही उनका दौरा अब होने जा रहा है, सब ठीक ठाक निपट जाए इसकी भी तैयारियां लगातार जारी है। पैरोल मिलने के बाद डेरा आश्रम बरनावा में गुरमीत सिंह पहुंचा है। आपको बता दें कि रोहतक की सुनारिया जेल से 40 दिन का पैरोल मिला है और वहीं सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरमीत सिंह को लाया गया है। अब डेरे में भी धूमधाम से दीपावली मनाई जाएगी। वहीं यूपी के पीलीभीत जनपद में ही बीते कई दिनों से कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आनंद फानंद में इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके में पहुंची और सैंपलिंग में जुट गई है। बुखार आया है, जाड़ा लेकर डॉक्टर यहाँ ले गए, दवाई लेकर आए, उसके बाद में डॉक्टर ने मना कर दी। एसके अग्रवाल के यहाँ गए, वहाँ जाकर दम तोड़ दी। कब से बीमार थी? शाम हुई, कल शाम बीमार हुई और आज अभी मैं एक क्रिमिनेशन करके हम लोग यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। हमारे ही मोहल्ले के एक बुजुर्ग थे, उनकी मौत हो गई है और इससे पहले भी जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे भी बीते 15 दिन पहले एक डेथ हुई थी। उस समय भी मैंने CMO से वार्ता की थी और आज भी मैंने 1:15 पर उनसे फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि मैं टीम तुरंत ही भेज रहा हूँ, लेकिन अब तक टीम नहीं आई। मैं ये समझता हूँ कि ये रही बात गंदगी की, तो ये सब सरकार की नाकामी है। सरकार के जो माथत लोग हैं वो इस चीज़ को यहाँ पर देख नहीं पा रहे हैं और लगातार सरकार के को हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पूरे पकड़िया नगमा में जो भी बजट आ रहा है साफ सफाई के लिए वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे तक हमाम में सब नंगे हैं और यहाँ पर एक के बाद एक मौत हो रही है। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन को बनती है। देखिए, इसमें वजह वही है कि साफ सफाई, हमारे नगर पंचायत बनने के बाद भी यहाँ पर कोई साफ सफाई का व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है, जबकि हमारी प्रदेश सरकार ने यहाँ पर बहुत सुविधाएं भेज रखी, लेकिन होता ये कि अधिकारी लोग देखने नहीं आते, शिकायत करने के बाद भी देखने नहीं पहुँच पाते, जिसके अभाव चलते हुए यहाँ डेंगू मलेरिया वगैरह जैसी बीमारी फैल रही है। अभी ये हाल ही में 3री मौत हुई है, जो कि अभी 4 दिन पहले ही एक परिवार में 7 लोग बीमार हुए, उसमें एक एक्सपायर हो गए। तो मैं यही चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसका रोकथाम के लिए कोई भी दवाई वगैरह छिड़काव कराया जाए।
इनामी बदमाश जफर को मुख्यमंत्री के आने से पहले ही गिरफ्तार किया गया है। खनन माफिया मुठभेड़ प्रकरण का मुख्य आरोपी जफर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में खनन माफिया जफर पकड़ा गया है। बताते चले कि दो दिन पूर्व थाना ठाकुर द्वारा इलाके से फरार होकर उत्तराखंड में भाग रहे आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि लगातार हम लोग ये जफर को हम ढूंढ भी रहे थे और कल रात में भी और लगातार चेकिंग के टाइम हमें इस व्यक्ति के साथ हमारी इंगेजमेंट हुई है। इंगेजमेंट में इस व्यक्ति को गोली लगी है, अभी इसका उपचार चल रहा है और प्राथमिक जानकारी में इसने यही बताया कि ये जफर है जो 1,00,000 रुपये का इनामिया घोषित किया गया है और उसके जो पुलिस के साथ जो इंसिडेंट हुआ था ठाकुर द्वारा और फिर उसके बाद जो चेस करते हुए काशीपुर में, उससे संबंधित ये अपराधी है और अभी ये दिल्ली भागने की फिराक में था। हरदोई में सरकारी ऑफिस मेखाना बना हुआ है। दरअसल सरकारी ऑफिस के कर्मचारी ऑफिस में बैठकर जाम पी रहे हैं, जिसके वीडियो बनाने वाले शख्स से कर्मचारी ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है। ऑफिस में बैठकर खराब शराब जो पीते हुए दिखा है और वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप भी मचा हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान भी ले लिया है और संबंधित अधिकारियों ने कर्मचारियों के निलंबन की संस्तुति भी दे दी है। अभी अभी हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जो देखने पर यह ज्ञात हुआ कि वो वीडियो मेरे कार्यालय का है। उसमें हमारे यहाँ का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और उसका एक दोस्त है जो टेबल के बगल में बैठे हुए हैं और टेबल पे दो बियर की बोतल रखी हुई हैं। इस संबंध में सारी सूचना मंडलीय अधिकारी और चीफ साहब को भेज दी गई है। हमारे स्तर से जो कार्यवाही कठोर से कठोर हो सकती है। सुबह के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शुक्रवार की देर शाम दिनेश प्रताप सिंह इकोना पहुंचे और उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांव मुस्काबाद का दौरा किया है। राज्य मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों का हाल भी जाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिला और तहसील प्रशासन का भरपूर सहयोग करें और जिससे क्षेत्रों में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को सरकार की ओर से दी जा रही सहायता वितरित की जा सके। धन और सामान की कोई कमी नहीं है और इतनी ही नहीं, राशन किट और इसके साथ ही सहायता देने वाली सुविधाओं की जरूरत होगी, उसे भी वितरण किया जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। श्रावस्ती में मृतक लेखपाल के परिजनों से लेखपालों का प्रतिनिधि मंडल मिला है और आपको बता दें कि पदाधिकारियों ने ही मृतक लेखपाल के परिजनों से मिलकर सद्भावना भी दी है और पीड़ित परिवार को 1,00,000 रुपए की राहत राशि देने की भी मांग की है और इसके साथ ही आश्रितों को नौकरी और पारिवारिक पेंशन भी देने की मांग की है। बताते चले कि नाव पलटने से डूबकर मौत हुई थी और 6 दिन बाद शव मिला था। बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत में मौजूद ग्राम दुधोरा में गांव के ही प्राथमिक विद्यालय के बगल आंगनबाड़ी में ही बुआ के साथ पुष्टाहार लेने गई मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में गड्ढे में लाश मिलने से ही हड़कंप मच गया है। नजदीकी प्राथमिक विद्यालय के पास में मौजूद आंगनबाड़ी केंद्र पर पुष्टाहार लेने गई थी और सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के बम्बा में भी चौराहे के पास दयाल नगर में सड़कों पर दबंगई का हद पार हो चुकी है। कानून को ठेंगा दिखाने वाला वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक के साथ बेरहमी की सभी हदें पार दिखाई दे रही हैं। खून से लथपथ युवक को नाले में फेंकने की कोशिश की गई, वहीं पूरा मामला पास खड़ी भीड़ साफ तौर पर देखती रही और बड़े भाई और उसके ससुराल वालों ने युवक की पिटाई की है, ऐसा मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।